वेलकम स्टूडेंट्स दिस इज़ अ लेक्चर सीरीज ऑन हिंदू लॉ एंड वी आर डिस्कसिंग एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हिंदू लॉ डैट इज़ पार्टीशन इसके पहले के लेक्चर में अलग अलग पार्ट्स में हम लोगों ने पार्टीशन के बारे में समझा है पार्टीशन का मतलब क्या है पार्टीशन की मीनिंग क्या है एज़ पर द मिताक्षरा स्कूल एंड दया बाघा स्कूल वो समझ लिया है द पर्सन हु क्लेम फॉर द पार्टीशन एन टाइटल फॉर द पार्टीशन वो कौन से लोग हैं जो पार्टीशन के लिए एक जॉइंट हिंदू फैमिली में क्लेम कर सकते हैं किन सब्जेक्ट मैटर का किन प्रॉपर्टी का पार्टीशन होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा ज्वाइंट हिंदू फैमिली में उनको डिस्कस कर चुके हैं तो पार्टीशन के बारे में पार्टीशन होगा कैसे ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने मोड ऑफ़ पार्टीशन सबको पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं उन सबको पढ़ने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं आज हम डिस्कस करेंगे री ओपनिंग ऑफ पार्टीशन एंड रीयूनियन ऑफ पार्टीशन क्या एक बार एक जॉइंट हिंदू फैमिली में पार्टीशन होने के बाद एक बार पार्टीशन हो गया मेंबर जॉइन हिंदू फैमिली में जो मेंबर्स हैं को पार्टनर्स के बीच में क्या उसका फिर से रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन किया जा सकता है क्या उसका फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ प्रॉपर्टी जो एक बार पार्टीशन के थ्रू जॉइन हिंदू फैमिली में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है वितरण हो गया है क्या उसको दोबारा से रीओपन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता इस चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले है बट हम एक एज पर द क्लासिकल हिंदू लॉ या शास्त्रिक लॉ के अनुसार अगर हम देखते हैं तो जनरल प्रिंसिपल क्या है जो एक बार होता है जो ना कि स्टॉपिल एक लॉ में प्र, एक प्रिंसिपल तो स्टॉपिल का कि एक बार जो कह दिया क्या उसके बाद उसको उसी पर ही टिके रहना है क्या उसका रिवर्ट बैक भी हो सकते हैं ठीक है तो स्टॉपिल का नियम हम लोग बाद में देखेंगे पहले भी हम क्लासिकल हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं क्लासिकल हिंदू लॉ कहता है मनु कहते हैं कि वंस अ पार्टीशन इज मेड वंस आ डैम्सल इज गिविन इन अ मैरिज एंड वंस अ गिफ्ट इज मेड इज इिवोकेबल एंड इरेट्रेसेबल इट मीन्स कि मनु के अनुसार एज पर द शास्त्री ग्लॉ के अनुसार कि अगर एक बार पार्टीशन ज्वाइन हिंदू फैमिली में हो गया है अगर एक बार डैम्स मैरिज में दे दिए गए हैं अगर एक बार किसी ने गिफ्ट में किसी को कोई चीज़ दे दी गई है तो बाद में वो इर्रेवोकेबल होती है उसके बाद में हम दोबारा से नहीं कर सकते हैं इट मीन्स अगर एक बार पार्टीशन हो गया तो हम दोबारा से रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन या फिर से डिस्ट्रीब्यूशन या फिर से उस पार्टीशन को दोबारा एग्जिस्टेंस में नहीं ला सकते हैं अब पार्टीशन इज जनरली इट कि जनरल प्रिंसिपल क्या है कि एक बार अगर पार्टीशन हो गया एक बार जन हिंदू फैमिली के मेंबर में पार्टीशन हो गया तो उसको हम दोबारा <coughs> किसी भी वजह से दोबारा उस पार्टीशन को रिओपन करा के रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कर सकते हैं द लॉजिक बिहाइंड इज दैट अर्थवाइल

एज टू क्रिएट वैलिड टाइटल इन फेवर ऑफ़ इवेन अ थर्ड पार्टी इट मीन्स कि अगर एक बार पार्टीशन हो गया और एक कोपास किसी मेंबर को उसका जो शेयर है वो शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलॉटेड हो गया उस पर उसका किसका कैसा राइट आ जाता है एक्सक्लूसिवली राइट आ जाता है तो उस प्रॉपर्टी को कैसे भी किसी भी थर्ड पार्टी को ट्रांजेक्शन निकल ले तो इसलिए जनरल प्रिंसिपल क्या हुआ कि एक बार अगर पार्टीशन हो गया एक बार संयुक्त हिंदू परिवार में विभाजन हो गया तो उस विभाजन का हम दोबारा पुनः उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली उस प्रॉपर्टी को संपत्ति को फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट या वितरित नहीं करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ हिंदू लॉ कहता है ठीक है हाउ एवर देर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ शेयर्स आर डिवाइडेड ओनली वंस जनरल प्रिंसिपल क्या है शेयर जो होंगे जॉइंट हिंदू फैमिली में वो डिवाइडेड होंगे डिवीजन होगा डिविजिबल होंगे ओनली आ वंस एक बारी पार्टीशन होगा बार बार पार्टीशन नहीं होता रहेगा कि उसी प्रॉपर्टी को बार बार डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं जो तो हमारा जनरल प्रिंसिपल है बट इस जनरल प्रिंसिपल का जैसे कि लॉ में होता है हर जनरल प्रिंसिपल के साथ कुछ ना कोई एक्सेप्शन भी होता है अपवाद देखने को हमें मिलता है ठीक है तो इस शेयर आर्स डिवाइड ओनली वंस का हमें कुछ जनरल जनरल लॉ का एक्सेप्शन देखने को हमें मिलता है एक्सेप्शन की हम लोग बात करेंगे कि ऑफ़ कैसे हो सकता है ठीक है इट मे बिकम इंपेरेटिव इन अ सर्टेन सिचुएशन टू हैव अ री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ग्रॉस इन जस्टिस टू द मेंबर ऑफ द फैमिली इट मींस कि अगर किसी ज्वाइंट हिंदू फैमिली में संयुक्त हिंदू परिवार में किसी तरीके का उस डिस्ट्रीब्यूशन में इनजस्टिस हुआ है अनजस्ट ट्रीटमेंट हुआ है अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है युक्त युक्त वितरण नहीं हुआ है रीजनेबल नहीं हुआ है वितरण वहाँ पे, तो ऐसे सिचुएशंस में हम प्रॉपर्टी का रेडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इट इज़ एन एक्सेप्शन जनरल प्रिंसिपल क्या था कि शेयर्स आज डिवाइडेड ओनली वंस एक बार पार्टीशन होगा तो उसका फिर से रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा बट इस जनरल प्रिंसिपल का दूसरा एक्सेप्शन क्या है अगर वहाँ पे प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ऐसी सिचुएशन हुआ है जहाँ पे अगर इनजस्टिस हो रहा है अन्याय हो रहा है अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है अनईक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है तो वहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन की चांसेस बनते हैं रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन के चांसेस बनते हैं हाउ एवर दैट अ पार्टीशन वॉज अनफेयर कैन नॉट बी अ countertain when the fact shows that it has been undertaken after due and proper deliberation. ठीक सिर्फ जहां पर भी, भी कह रहे हैं कि अनफेयर ट्रीटमेंट सिर्फ अनफेयर के बेस पे नहीं जहाँ पे वो फैक्ट शो भी होना चाहिए इन फैक्ट दिखना भी चाहिए डी डी जो डी फैक्ट दो वर्ड आते हैं ना एक लॉ की नज़रों में एक फैक्चुअल की नजर में फैक्ट जो वास्तविकता में है तो वो अनजस्ट ट्रीटमेंट दिखना भी चाहिए अन इक्वल ट्रीटमेंट दिखना भी चाहिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है तो हम पार्टीशन को रिडिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉपार्टीशन प्रॉपर्टी का रेडिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा सकता है ठीक है क्वेश्चन आता है कि व्हेन कैन पार्टीशन भी रीओपन जनरल प्रिंसिपल इनजस्टिस हो रहा है अनजस्ट इन हो रहा है बट कैसी कैसी सिचुएशन में हो रहा है ठीक है तो पहला हुआ कि कहते हैं कि बाय फ्रॉड अगर किसी ने फ्रॉड किया हो कह रहे हैं अब पार्टीशन में भी रीओपन एक पार्टीशन हो गया एक हिंदू फैमिली है ठीक वहाँ पे मेंबर्स के बीच में पार्टीशन हो गया अलग अलग जो भी शेयर इंटाइटल है सब्जिस मेंबर के वो शेयर अलाटेड कर दिए गए बट उस पार्टीशन को हम फिर से रीओपन करा सकते हैं इफ़ एनी हैज एन अनफेयर एडवांटेजेस इन द डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द फ्रॉड अगर किसी को पासनर से बाय द फ्रॉड कोई एक एडवांटेज गेन कर रहा है उस पार्टीशन में क्या हुआ है कपट होता है ठीक अपॉन द अदर कोपासनर दूसरे को कोपासनर से दूसरे मेंबर के साथ फ्रॉड करके एक पार्टनर क्या करता है अपने आप का इनरिचमेंट करता है अपने आप को प्रॉफिट गेन कराता है उसको फायदा होता है जबकि दूसरे का कोपासनर के साथ क्या हो रहा है फ्रॉड हो रहा है कपट हो रहा है फ्रॉड क्या होता है फ्रॉड को जैसे कि हम लोग डिफिनेशन देखते हैं अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाते हैं तो सेक्शन सेवेंटीन में देखते हैं एक लीडिंग केस आता है जिसमें फ्रॉड को डिफाइन भी किया डेरी वर्स स्पीक में एक्टिव कंसीलमेंट और पैसिव कंसीलमेंट जब ड्यूटी टू स्पीक है या बोलना चाहिए यहाँ पे आपकी ड्यूटी है बोलने का आप छुपा रहे हो इस राइट को वो भी कपट की श्रेणी में आएगा फ्रॉड की श्रेणी में आएगा तो इन डिटेल में हम फ्रॉड को और पूरा कॉन्ट्रैक्ट के परस्पेक्टिव से नहीं देख रहे बट यहाँ देख रहे हैं कि अगर किसी पार्टी ने क्या किया है किसी को पार्टनर ने क्या किया है उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली में क्या करा कि बाय द फ्रॉड बाय द कपट धोखाधड़ी देकर दूसरे पा कोपार्शनर से एडवांटेजेस गेन किया है तो उस कंडीशन में क्या होगा उस पार्टीशन को रीओपन कराया जा सकता है अ में कंसील द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन यानी कि कंसीलमेंट कर रहा है जो रियल फैक्ट है रियलिटी है उसे कोपार्टनर ने क्या किया एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन उस प्रॉपर्टी के बारे में कंसील कर लिया छुपा ले जाता है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर लेता है टू गेन एन अनजस्ट एंड अनड्यू एडवांटेजेस ओवर दी अदर किस पर्पस के लिए इन ऑर्डर टू अचीव अ अनड्यू एडवांटेजेस कि एक उसे अलग से लाभ प्राप्त हो जाए ठीक है अनजस्ट ट्रीटमेंट कर रहा है दूसरे के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहा है दूसरे के साथ ओवर दी अदर्स द पार्टीशन कैन दस बी रीओपन ऑन द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड जब जो दूसरे पार्टी को जो दूसरी जो विक्टिम है जिसको अफेक्ट हुआ जब उसको ये रिवील होगा तो फ्रॉम द uh, डेट ऑफ रिवील जब उसे पता चला कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है तो उसे पार्टीशन को वो रीओपन करा सकता है अगर किसी मेंबर को लगता है कि बाद में पता चला कि जो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली विच वॉच पार्टीशन जिसका पार्टीशन किया गया उस जॉइंट हिंदू फैमिली में बाद में डिस्कवर हो रहा है कि उस प्रॉपर्टी के साथ उसके उसके नेचर के साथ जो बताई गई बातें वो फ्रॉड एज अ फ्रॉड मिसरिप्रजेंट करके दिखाया गया है बाय द अदर को नाट तो जो भी उसमें अफेक्टेड पार्टी होगी जो विक्टिम पार्टी होगी वो उस पार्टीशन को रीओपेंट करा सकता है तो इट मींस अगर यहाँ किसी पार्टीशन में फ्रॉड हुआ है तो उस फ्रॉड की कंडीशन में दूसरी पार्टी क्या करा सकती है उसे रीओपन करा सकती है दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इस कंडी आफ्टर बॉर्न चाइल्ड आफ्टर बॉर्न चाइल्ड के लिए भी हम लोगों ने यह जो प, देखा था जब वो हैडिंग पड़ी थी पर्सन हु क्लेम फ पार्टीशन वहां पर हमने और डिटेल में उसको डिस्कस किया था यहां पर वही बात करें द पार्टीशन शुड बी पोस्टपोन टिल द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इफ द प्रेगनेंसी इज नोन बट इफ द कोपासनर्स डू नॉट एग्री विद द डिले दैन द शेयर इक्वल टू द शेयर ऑफ द कोपासनर शुड बी रिजर्व बट इनकेस वे आर अ नो शेयर ऑफ द पोस्टमस चाइल्ड इज रिजर्व देन ही कैन डिमांड फॉर द रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन आफ्टर हीज बर्थ थ्रू एनी रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज एक पार्टीशन एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली में हो रहा है उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली में वो अभी वहाँ पे क्या है प्रेगनेंसी के बारे में या तो पता है या तो प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता है ठीक अगर प्रेगनेंसी के बारे में पता है ठीक है तो कहा जा रहा है कि उस पार्टीशन को पोस्टपोन कर दिया जाए रोक दिया जाए जब जा तक कि टिलदा उस बच्चे का जन्म नहीं हो जाता उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली में ठीक है अगर को पार्टनर एग्री नहीं करते हैं तो लॉ कहता है कि एक शेयर उस जो बच्चा भी माँ के गर्भाशय में मदर्स के वोम में जो भी बर्थ नहीं लिया है पोस्ट शोमर्स चाइल्ड है उसके लिए एक एक शेयर निकाल के रख दिया जाए अगर वो मेंबर्स वो एक शेयर अलग से सेपरेट रिजर्व करके नहीं रखते हैं तो आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड वो क्या कर सकता है उस पार्टीशन को रीओपन कर सकता है रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन करा सकता है तो पोस्ट हमारे भी राइट है कि वो पार्टीशन को रीओपन करा लेगा फिर बात आती है अकॉर्डिंग टू तो सेक्शनटल सन के बारे में बात आती है अडॉप्टेशन क्या होता है कि अगर हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में देखते हैं लीगल इफेक्ट व्हाट इज द लीगल इफेक्ट ऑफ अ पार्टीशन ठीक तो पार्टीशन वहां पे सेक्शन ट्वेल में भी देखा था हमने लोग फॉर ऑल दी पर्प जैसे एक नेचुरल सन का राइट होता है नेचुरल चाइल्ड का राइट right होता है वैसे एक अडॉप्टेड सन का भी राइट right हो जाता है और जब हम लोगों ने क्लेम फॉर द पार्टीशन के लिए देखा तो एक अडॉप्टेड सन का वही इक्वल स्टेटस था कि वो भी, वही राइट right क्लेम कर सकता है पार्टीशन का जैसा कि एक नेचुरल कर सकता है ठीक है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन ट्वेल ऑफ द हिंदू अडॉप्शन अडोप्शन मेंटेनेंस एक्ट नाइनटीन अडॉप्टेड सन हैव द सेम राइट टू पार्टीशन एज दैट ऑफ द नेचुरल सन जैसा कि नेचुरल सन का राइट right होता है क्लेम फॉर द पार्टीशन वैसा ही किसका होता है का होता है। इवन इफ आफ्टर अगर एक एक हो गया है, है, का son, कोई जन्म लिया फादर को ठीक ऑफ अडोप्टेड सन एंड नेचुरल सन जो अडॉप्टेड ने दोनों का होगा विल बी द इक्वल दोनों का इक्वल ट्रीटमेंट होता है सन इज इंटर टू री ओपन द पार्टीशन अगर पार्टीशन के अडोप्शन के पहले पार्टीशन हो गया है तो वो अडॉप्टेड सन क्या कर सकता है उस पार्टीशन को अडोप्टिड फैमिली में जाके रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन करा सकता है क्यों क्योंकि एक नेचुरल सन को जैसा उस फैमिली में राइट होता है पार्टीशन करने का उसी तरीके से एक अडोप्टेड सन को भी वहाँ पर राइट मिलता है ठीक है फिर बात करते हैं कि अगर कोई डिसक्वालिफिकेशन डिस्कवालीफाइड को पार्टनर्स हैं ठीक है थीके? जो जो डिसक् डिस्कवालीफिकेशन की वजह से पार्टीशन से डिबार हो गए थे बट वो जब डिस्कालीफिकेशन रिमूव हो जाएगी देन वो क्या क्या कर सकते हैं उस पार्टीशन को क्या करा सकते हैं रीओपन करा सकते हैं ठीक है जैसे कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी डिफेक्ट विच डिसक्वालीफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग आर इक्वली डिस टू शेयर ऑन अ पार्टीशन बट वंस क्योर्ड कैन ओपन द पार्टीशन बट एक बार जो अगर वो जो डिसक्वालिफिकेशन थी वो रिमूव हो गई तो वो क्या कर सकते पार्टीशन को रिमूव रीओपन करा सकते बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जैसे पहले कुछ थे कुछ डिसीज के बारे में लिखा था कुछ डिसेबिलिटीज के बारे में लिखा था बट कुछ डिसेबिलिटीज को बाएक्टमेंट ऑफ हिंदू इन्हेरिटेंस या रिमूवल ऑफ डिसबिलिटी एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी उस डिसबिलिटी को हटा दिया गया बट कुछ ना कुछ एक्सेप्शन अभी भी रह गए जैसे डिसक्वालीफिकेशन रह गई जैसे कि अगर कोई आफ्टर बॉन सन है तो आफ्टर बॉनसन क्या है वो डिसक्वालीफिकेशन अभी इसका राइट नहीं है लेकिन जैसे ही वो बॉर्न हो जाए जाएगा वो डिस्कालिफिकेशन खत्म हो जाएगी और वो पार्टीशन रिओपनिंग और पार्टीशन के लिए क्लेम कर ले जाएगा तो क्या हो गया कि इस तरीके से कौन जहाँ पे आफ्टर बॉर्न सन का भी राइट है रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन कराने के लिए अगर कहीं फ्रॉड हुआ है तो मेंबर्स क्या कर सकते हैं पार्टीशन को रीओपन करा सकते हैं दीज आर द एक्सेप्शंस जनरल प्रिंसिपल कहता है कि वंस एक बार पार्टीशन हो गया हम उसका दोबारा रीओपन नहीं कराएंगे बट जहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं अडॉप्टेड सन है डिस्कवालीफिकेशन है रिमूव हो गया रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफिकेशन हो गया तो ऐसी जगह पर पार्टीशन को रीओपन कराया जा सकता है ठीक है अगर कोई कोपासनर है एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन वो एबसेंट है उसको शेयर मिलना चाहिए बट वो प्रेजेंट नहीं था पार्टीशन के टाइम पे तो कह रहे कोपासनर एबसेंट ही कोपासनर बोला जा रहा है एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन अगर कोई कोपासनर जिसका राइट है, क्लेम करने का और शेयर का भी पार्टीशन में वो क्या है एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन एबसेंट है उस समय उपस्थित नहीं है हु हैज अ शेयर इन अ कोपासनरी जिसका शेयर है कोपासनरी में हैज अ राइट टू कॉल फॉर द री ओपनिंग ऑफ द पार्टीशन इफ द पार्टीशन हैज प्लेस इन अगर उसकी में कोई पार्टीशन हो गया जब भी वो प्रेजेंट होगा ठीक तो वो क्या कर सकता है वो पार्टीशन को रीओपन करा सकता है इफ़ एट ऑफ़ द पार्टीशन को पार्सनर इज एपसेंट एंड नो शेयर इज अलॉटेड टू हिम और उसके लिए कोई शेयर अलॉट करके नहीं रखा गया लेट सपोज होता हो सकता है कि एक सिचुएशन ये भी हो कि वो पार्टनर एबसेंट तो है लेकिन उसके लिए शेयर अलाउड कर दिया गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर कोई शेयर अलाउड नहीं किया गया उसके लिए रिजर्व नहीं रखा गया तो ही कैन गेट द पार्टीशन री ओपन इट मीन्स कि एबसेंटी पार्टनर होगा वो क्या देगा जब भी वो आएगा उस पार्टीशन को री ओपन करा सकता है अगर उसके लिए कोई भी शेयर नहीं रखा गया है ठीक अगर एक माइनर्स को पासनर के लिए बात करते हैं तो माइनर को पासनर और मेजर को पासनर दोनों का सेम राइट है इक्वल स्टेटस था पार्टीशन क्लेम करने का बट माइनर के केस में क्या था उसका नेक्स्ट फ्रेंड या उसका गार्जियन उसके बेसिस पे माइनर के बेसिस पे पार्टीशन को क्लेम कर रहा था तो क्या करें इफ माइनर इंटरेस्ट आर प्रिजुडिस बाय द करता बाय अनजस्ट टू द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी द माइनर्स गार्जियन और अ नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द गार्जियन मे फाइल द सूट फॉर अ पार्टीशन ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर अगर किसी ज्वाइंट हिंदू फैमिली के पार्टीशन में कोई माइनर का शेयर अलाउड हो रहा है शेयर को दिया जा रहा है अगर वो शेयर माइनर के साथ कैसा हो रहा है अन ट्रीटमेंट हो रहा है अनजस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है अनजस्टिस हो रहा है इस माइनर के साथ तो उस माइनर के बेस पे माइनर uh, के लिए माइनर का जो गार्जियन हो या नेक्स्ट फ्रेंड है वो पार्टीशन को रीओपन करा सकता है तो माइनर का जहाँ पे इंटरेस्टेड इफेक्टेड होगा होगा यहाँ पे माइनर के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है क्योंकि माइनर का भी इक्वल राइट होता है एज अ मेजर को पार्टनर कि वो पार्टीशन को क्लेम करे इस पॉइंट को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था द पर्सन हु कैन क्लेम फॉर द पार्टीशन दोनों को इक्वली राइट होता है तो जिस किसी भी पार्टीशन में जिस किसी भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली के संपत्ति के वितरण में डिस्ट्रीब्यूशन में या विभाजन में अगर एक अवयस्क के साथ ऐसा कोई ट्रीटमेंट होगा तो वहाँ पे भी पार्टीशन को रीओपन किया जा सकता है ठीक है द रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन कैन आल्सो बी अफेक्टेड व्हेन सम प्रॉपर्टी वाज लेफ्ट आउट कुछ प्रॉपर्टी को छोड़ दिया गया जिनका डिस्ट्रीब्यूशन होना था ठीक है आदर बाय द मिस्टेक या डेलीब्रेटली गलती से किसी तरीके से भी बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट उन प्रॉपर्टी का भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ रिमेनिंग रह गई और वेन सम प्रॉपर्टी विच हैव बीन इंटर्ड लॉस्ट और सीज वर डिस्कवर कुछ वो प्रॉपर्टी बाद में डिस्कवर हुई तो ऐसी प्रॉपर्टी जिनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ उनको बाद में भी रीओपन ऑफ पार्टीशन करके थ्रू कर, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है तो दीज आर द सम एग्जाम्पल और सिचुएशन और एक्सेप्शन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल दैट वंस अ पार्टीशन इज डन इट नेवर कैन बी रीओपन बट ये कुछ एक्सेप्शन आएंगे जिनमें हम एक पार्टीशन अगर हो गया है तो हम दोबारा वहाँ से रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन करा सकते इट मीन वहाँ से जो प्रॉपर्टी है संपत्ति है जोइन हिंदू फैमिली की जिसका पार्टीशन हो रहा है उसका फिर से रजिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ठीक है देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है पार्टीशन uh, का लास्ट डिस्कशन होगा कि री यूनियन ऑफ ज्वाइंट फैमिली एक बार अगर ज्वाइंट फैमिली विघटित हो गई विघटित कैसे हुई बाय द वे ऑफ पार्टीशन पार्टीशन हो गया सबका शेयर अलग अलग हो गया मेंबर्स अलग अलग हो गए क्या एक बार सब अलग अलग हो जाने पे पृथक हो जाने पे क्या फिर से वो रीयूनाइट हो सकते हैं अगर वो फिर से चाह रहे हैं कि जॉइन हिंदू फैमिली का मेंबर बन जाएं या फिर से एक साथ इकट्ठे हो जाएं एक रीयूनाइट हो जाए एक साथ फिर से को पर्सनली हो जाए और वही इफेक्ट आए जो पहला पार्टीशन के पहले की पोजिशन थी क्या उसे दोबारा से

ब्रदर पैटर्नल अंकल इज टर्म्ड री यूनाइटेड विद हिम पर द क्लासिकल लॉ है टेक्सट और लीडिंग टेक्स्ट ऑन हिंदू लॉ सीज दैट अगर एक बार पार्टीशन के थ्रू एक पर्सन कोई सेपरेटेड हो जाता है अलग हो जाता है तो ऐसा नहीं कि वह हमेशा के लिए अलग हो गया वो उसका पार्टीशन हुआ उसका प्रॉपर्टी का शेयर हुआ बट रिलेशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा ना तो उसने कहा कि वो रीयूनाइट हो जाएगा बट रियूनाइट किसके थ्रू होगा तो वो कहते हैं फादर ब्रदर एंड पैटर्नल अंकल इन्हीं तीनों लोगों के साथ रीयूनाइट हो सकता है इन्हीं तीन लोगों के साथ वहां पे रीयूनियन ऑफ फैमिली होगी आफ्टर द पार्टीशन एज पर द बृहस्पति ठीक अ रीयूनियन कैन टेक प्लेस बिटवीन अ पर्सन हु वर पार्टीज टू द ओरिजिनल पार्टीशन बाय द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इट इज क्लियर दैट ये बताया गया कि री कैसे होंगे हम लोग क्लासिकल हिंदू के अकॉर्डिंग देखें कि कौन यूनाइट होंगे किसके साथ यूनाइट होगा फादर ब्रदर और पैटर्नल अंकल के साथ यूनाइट हो सकते हैं ठीक है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट बताता है कि री reunion यूनियन और री यूनियन ऑफ फैमिली कैसे होगा जो ओरिजिनल पार्टीज ऑफ द पार्टीशन है जो पार्टीशन हुआ उसमें जिन लोगों के बीच में सपोज ए बी सी डी एंड दीज आर पार्टीशन अकर अगर इन चारों के बीच में पार्टीशन हुआ तो ये चारों यूनाइट होंगे उसमें एक पर्सन ई e और एफ वो आके रूनाइट नहीं होने आ जाएगा मतलब जो ओरिजिनल पार्टी ऑफ द पार्टीशन है अगर फादर और सन के बीच में पार्टीशन हो रहा है ठीक है फादर और बिटवीन टू सन के बीच में पार्टीशन हो रहा है तो वो रूनाइट होने जाएंगे उनकी थर्ड और फोर्थ जनरेशन यूनाइट होने नहीं जाएगी उसके अंदर ठीक है तो कह रहे अ री कैन टेक प्लेस बिटवीन अ पर्सन हु वर पार्टीज टू द ओरिजिनल पार्टीशन जो ओरिजिनल पार्टी है पार्टीशन की वही रूनाइट होने जाएंगे इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी यूनाइट होने का राइट नहीं है अकॉर्डिंग टू द मिताक्षरा जैसे कि मिताक्षरा जनर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदू स्कूलिंग क्या है री यूनियन कैन नॉट टेक प्लेस री यूनियन हो नहीं सकता नहीं होगा टेक प्लेस अस्तित्व में नहीं आएगा विद एनी पर्सन किसी भी पर्सन के साथ बट बट लगाया कंडीशन विद फादर ब्रदर एंड पैटर्नल अंकल जनरल प्रिंसिपल ने क्या बताया कि रियूनियन नहीं पॉसिबल है रियूनियन को एग्जिस्ट में नहीं लाएंगे बट कहा कि वो तीन रिलेशन किसके साथ रियूनाइट हो सकते हैं जैसा कि बृहस्पति ने बताया फादर ब्रदर एंड पैटर्नल अंकल

री कैन बी टेक प्लेस अगर जो जो ओरिजिनल पार्टीज ने पार्टीशन की जिनके बीच में पार्टीशन हुआ है जिन लोगों के बीच में विभाजन हुआ है सिर्फ वही लोग ही क्या कर सकते हैं पार्टीशन को के आफ्टर पार्टीशन के बाद रीयूनाइट हो सकते हैं ठीक इज इट क्लियर क्या कहते हैं जैसे कि अकॉर्डिंग टू द मिथिला और स्कूल ऑफ हिंदू लॉ जैसे कि मिथिला जो अलग अलग स्कूल हैं मिताक्षरा के भी अलग अलग सब स्कूल थे मिथिला uh, uh, द्रविदा बनारस ठीक है तो मिथिला स्कूल क्या कहता है कि द वर्ड्स फादर ब्रदर एंड पैटर्नल अंकल आर यूज इन इलेस्ट्रेटिव सेंस एंड री यूनियन कैन बी इफेक्टेड बिटवीन अदर्स प्रोवाइडेड दे वर पार्टी टू द ओरिजिनल पार्टीशन वो कह रहा है कि फादर ब्रदर और पैटर्नल अंकल तो हैं ही है, लेकिन अगर इसके अलावा भी जो जो बात कही गई क्या नाम है कि अगर कोई और रिलेशन है जो जिनके बीच में पार्टीशन हुआ है जो ओरिजिनली पार्टीशन उनके बीच में हुआ है तो वही लोग ही सिर्फ पार्टीशन को रिओपन करा सकते हैं इट मीनस कि इन्होंने जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट वाले जो चीज बात की गई दोनों का मिक्सअप करके बोला गया मिथिला मानता है इस चीज़ को मानता हुआ इस कॉन्सेप्ट को मानता है द सुप्रीम कोर्ट इन द भगवान दयाल वर्सेज रियोती देवी हैल डेट इफ अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली सेपरेटेड अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली का क्या हो गया है सेपरेट हो जाती है बाय द वे

उसे प्रूव भी करना पड़ेगा कि भैया वो रूनाइट होना चाहते हैं ठीक है <coughs> और वो जेन्यून रीजन है ओरिजिनल में ऑब्वियस रीजन है ऐसे ही रूनाइट नहीं होना चाहिए कि पार्टीशन जब आया मनाया पार्टीशन के लिए जब मनाया इट इज नॉट ईजी ठीक है तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवी काउंसिल द पार्टीज टू द रियूनियन शुड हैव बीन पार्टीज टू द ओरिजिनल पार्टीशन जो रूनाइट होने वाले पार्टीशन कौन होगी प्रीवी काउंसिल ने भी किया कि वो ओरिजिनल पार्टीज होनी चाहिए पार्टीशन की एंड दैट सब्जेक्ट टू दिस देयर में बी अ री ठीक वो यूनियन यूनाइट हो सकते हैं जो पार्टीशन की पार्टीज हैं जिन्होंने पार्टीशन ओरिजिनली किया है सिर्फ वही लोग ही पार्टीशन में पार्टिसिपेट करेंगे रूनाइट होने के लिए ठीक अब क्या कहते हैं कि इफेक्ट में कैसे लाएंगे हाउ टू इफेक्ट द री यूनियन को इफेक्ट में कैसे लाना है क्या क्या प्रोसीजर हो सकता है अगर हम उसके बात करें तो कह रहे नो राइटिंग इज नेसेसरी कोई भी लिखित में दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है फॉर री यूनियन के लिए कोई राइटिंग की की जरूरत नहीं होती है कोई एग्रीमेंट्स की जरूरत बनाने की आवश्यकता नहीं होती है कि एग्रीमेंट बनाया जाए ठीक है पर्सन ठीक फिर क्या कह रहे हैं कि इट मे टेक प्लेस बाय वर्बल अरेंजमेंट अगर वर्बली भी कर दिया गया बट दे मस्ट बी एन इंटेंशन टू रियूनियन इंटेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जैसा कि हम लोगों ने पार्टीशन के लिए भी देखा था कि फॉर्मेलिटीज में क्या चाहिए इंटेंशन और अ डिक्लेरेशन फॉर द पार्टीशन टू द अदर मेंबर ऑफ जॉइन हिंदू फैमिली की कम्युनिकेशन ऑफ इंटेंशन डिक्लेरेशन ऑफ एन इंटेंशन होना चाहिए पार्टीशन के लिए उसी तरीके से अगर आप रियूनाइट होना चाहते हैं कोई मेम्बर रियूनियन ऑफ ज्वाइन हिंदू फैमिली होना चाहता है देन उसको क्या करना पड़ेगा intention, to intention show करना पड़ेगा। हो हो, सकता, जरूरी नहीं कि वो में लिखित रूप में हो, लिखित रूप में, में उसको प्रोवाइड कराया जाए ठीक है ओनली लिविंग एंड कैरिंग ऑन बिजनेस टूगेदर इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ दूरियन सिर्फ एक साथ रह रहे एक साथ बिजनेस कर रहे हैं ये एक

ठीक है तो मेयर सब एक साथ रह रहे हैं या एक साथ बिजनेस कर रहे हैं वो ये नहीं माना जाएगा कि रियूनाइट हो गए हैं इंटेंशन होना चाहिए वहां का आपका कंडक्ट बताएगा कि आप क्या रियूनाइट होना चाह रहे हो कि नहीं होना चाह रहे हो ठीक है टू कॉन्स्टिट्यूट अ रियूनियन देयर मस्ट बी इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू री इज स्टेट एंड इंटरेस्ट रियुनाइट किसके साथ रीयूनाइट जो प्रॉपर्टी का हो आप एक ज्वाइंटली यूज करना चाह रहे हो आपका इंटेंशन ऐसा होना चाहिए कि जो भी वहां प्रॉपर्टी है उसको स्टेट है जो भी इंटरेस्ट है वहां पर कॉमन इंटरेस्ट है फैमिली के लिए करेक्टिव फीचर देख रहे थे ज्वाइंट ओनरशिप है ज्वाइंट इंटरेस्ट है, है अगर इस तरीके का इंटेंशन वहां पर शो हो रहा है डिक्लेरेशन हो रहा है बाय द पार्टीज बायरबली और अरली और अटर्न दे कैन इट कैन बी सेट डेट दे आर रीनाइट इन ज्वाइंट इन द फैमिली आफ्टर द पार्टीशन ठीक देयर कैन बी नो री अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी टू इन अ स्टेट विद द इंटेंशन टू रिमिट देम देयर फॉर्मर स्टेटस एज अ मेंबर ऑफ अ ज्वाइंट फैमिली विदाउट इंटेंशन के विदाउट डिक्लेरेशन के वहां पर रि पॉसिबल नहीं है रियूनाइट नहीं हो सकते हैं ठीक है बट पोजेशन ऑफ अ फैमिलीज प्रॉपर्टी एट अ टाइम ऑफ रियूनियन इज नॉट एसेंशियल इसेंशियल क्या कहना कि, कि प्रॉपर्टी को जो पोजेशन करना ये आवश्यक नहीं है रीयूनाइट होने के लिए बट वहाँ पे इंटेंशन किस चीज़ कौन चाहिए कि कलेक्टिवली यूज़ करना है कलेक्टिवली उस स्टेट का उस पर, उस स्टेट के ऊपर क्या है उन लोगों का कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए ठीक है फिर बात आती है क्या एक माइनर रीयूनाइट कर सकता है जैसा कि माइनर के नेचर के बारे में जानते हैं माइनर इज टू मेक एन कॉन्ट्रैक्ट तो जनरल क्या है तो माइनर तो नहीं कर सकता माइनर कैन नॉट सिंस अ माइनर हैज अ नो कैपेसिटी टू अ कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी हम लोग देखे थे मोहरी बीबी वर्ष धर्मदास घोष क्या माइनर कैन नॉट रियूनाइट बिकॉज इज नॉट कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से कहा जा रहा है कि वो एक माइनर पर्सन भी वो रियूनाइट आफ्टर द पार्टीशन नहीं कर सकता है बट अगर ये तो हो गया हाउ टू इफेक्ट बट हम बात करते हैं अगर रीयूनियन हो गया देन उसके बाद उस री का इफेक्ट क्या होगा तो री के बाद जब स्टेटस आएगा तो स्टेटस क्यों हो जाएगा जैसा माना जाएगा जैसा कि उनके बीच में पार्टीशन हुआ नहीं था और पार्टीशन के पहले जो स्टेटस था कोपासन एग्जिस्ट कर रही थी जो भी रूल एस्टेब्लिश कर रहे थे जैसा स्टेटस था वैसा वो इफेक्ट में आ जाएगा आफ्टर द रीयूनियन इस तरीके से हमने देखा इस पूरे लेक्चर में अलग अलग पार्ट्स में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था पार्टी

ग्रैंड मदर दीज आर थ्री लेडीज एनी राइट टू क्लेम पार्टी बट वेनिशन दिया जाएगा फिर देर आर दैरियस मोड ऑफ पार्टीशन बाय दीमेंट भी हो सकता है बाय द आर्बिट्रेशन भी हो सकता है बाय द फाइलिंग सूट भी हम लोगों ने देखा कि पार्टीशन अलग अलग मोड बताए रखे किस तरीके से हम पार्टीशन को करा सकते हैं इफेक्ट में ला सकते हैं कि पार्टीशन का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट

हो सकते हैं और इसका इफेक्ट कैसे होगा कैसे इफेक्ट मिलाएंगे कौन कर सकता है कैसे कर सकता है इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया है इसके साथ ही आज हम लोगों का जो पार्टीशन एक टॉपिक था पूरा सेकेंड यूनिट का हिंदू लॉ का वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है कि पार्टीशन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हो सकती थी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट उन सबको हम लोगों ने इस लेक्चर सीरीज में कवर कर लिया है आने लेक्चर सीरीज में एक और नए टॉपिक के साथ सेकेंड यूनिट ऑफ हिंदू लॉ फैमिली लॉ सेकेंड जो पेपर है उसको हम लोग डील करेंगे ठीक है तब तो तक के लिए थैंक यू